हेलो देयर, अगर आप इस साल AIEEPG का एग्जाम जो होता है MSc इन एग्रीकल्चर के लिए, ये एग्जाम या तो आप दे चुके हैं या आने वाले वक्त में आप देने वाले हैं, या इस एग्जाम के अलावा भी अगर मैं कहूँ कोई भी आपने स्टेट लेवल का एग्जाम दिया है, देने का सोच रहे हैं, तो उसके बाद जब आप MSc इन एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे MSc इन एग्रीकल्चर BSc इन एग्रीकल्चर से अलग है। MSc के अंदर आपको क्या क्या ऐसी चीजें या क्या क्या ऐसा प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसके थ्रू आप अपनी MSc कंप्लीट कर पाएंगे, तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप MSc इन एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि मैंने सॉइल साइंस के अंदर अगर MSc करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या सिर्फ मुझे सॉइल साइंस ही पढ़नी होगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ आपको अपने मेजर सब्जेक्ट यानी सॉइल साइंस के साथ साथ आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा, और सिर्फ माइनर सब्जेक्ट ही नहीं, इवन कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे। पहले बात करें अगर माइनर सब्जेक्ट की तो वो क्या है। कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको खुद चूज करना होता है कि आप अपने मेजर सब्जेक्ट के अलावा कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस जो है वो आपको ऑलरेडी अलॉट करके देते हैं कि अगर आपने सॉइल साइंस में एडमिशन लिया है तो आपको साथ में एग्रोनॉमी भी पढ़ना होगा, अगर आपने एंटोमोलॉजी में एडमिशन लिया है तो आपको प्लांट पैथोलॉजी भी पढ़नी होगी, या इसी तरह से हम देखते हैं हर मेजर सब्जेक्ट के साथ में एक माइनर सब्जेक्ट जो कि मेजर सब्जेक्ट की स्टडीज के दौरान आपको हेल्प करेगा, तो वो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना होता है। तो मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, और साथ में अगर आपको अपने कॉलेज में चूज करना हो मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो माइनर सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जो आगे आने वाले वक्त में अगर आप PhD के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें हेल्पफुल रहे। यानी PhD एंट्रेंस के लिए इंडिया लेवल पे जो AICE यानी हम कहें SRF के लिए जो एग्जाम होता है वो एग्जाम के अंदर हम देखते हैं सॉइल साइंस के साथ एग्रोनॉमी भी आती है, तो ऑफकोर्स हमें सॉइल साइंस के साथ एग्रोनॉमी को ही माइनर सब्जेक्ट के रूप में चूज करना चाहिए, या एग्रोनॉमी अगर मेजर सब्जेक्ट है तो सॉइल साइंस को माइनर सब्जेक्ट के रूप में चूज करना चाहिए। तो ये तो बात रही एक इंपॉर्टेंट कि हमें मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। साथ में बात ये भी याद रखनी है कि हमें सपोर्टिव सब्जेक्ट भी यहाँ कुछ पढ़ने होते हैं। सपोर्टिव सब्जेक्ट जैसे कि हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को भी हमें अच्छे से पढ़ना है जब भी हम आने वाले वक्त में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको MSc इन एग्रीकल्चर के अंदर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा। आपकी 2 साल की जो डिग्री है उसके अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे उसका आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म भी बनाना होगा। डॉक्यूमेंट फॉर्म जिसे हम कहेंगे थीसिस, यानी आपको एक थीसिस लिखनी होगी। उस थीसिस के अंदर आप A to Z ये चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपने पूरा आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, शुरू से लेकर एंड तक हर एक बात वहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर लिखनी होगी, जिसे हम थीसिस कहते हैं। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था स्टैटिस्टिक्स का रोल। स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी होगी क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो वहाँ कैसे डाटा से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये सभी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स नाम के सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़नी होती हैं, समझनी होती हैं। स्टैटिस्टिक्स के साथ में ही आपको यहाँ कुछ PGS कोर्सेज भी कवर करने होते हैं। 2 साल के MSc में हमें टोटल 5 PGS कोर्सेज कवर करने होते हैं। हो सकता है किसी कॉलेज के अंदर ये 5 की जगह कुछ और नंबर हो, लेकिन जनरली अगर आप PhD में भी जाएंगे तो ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं इन 5 सब्जेक्ट को कवर करना होगा। क्या है वो 5 सब्जेक्ट? उनकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी होगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी आपको समझना होगा, लेबोरेटरी टेक्निक्स को समझना होगा कि कैसे लैब में वर्क किया जा सकता है, रिसर्च से रिलेटेड एथिक्स को समझना होगा, जो कि मैंने बात बताई एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंट अच्छे से कंडक्ट करना है तो वो एक्सपेरिमेंट एथिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने पुराना कोई एक्सपेरिमेंट किया था आपने वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दिया, नहीं, यहाँ कुछ रूल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, उन्हें आपको जानना जरूरी होगा। साथ में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन और साथ में टेक्निकल राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह की भी कुछ कोर्सेज जो हैं वो आपको MSc के अंदर करने होते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट के कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जो आपको करने होंगे। आने वाले वक्त में जब आप एडमिशन लेंगे तो वो कोर्स की लिस्ट आपको दे दी जाएगी, तब आप आराम से देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना होगा मेजर सब्जेक्ट के रूप में। माइनर सब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बताया कुछ सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सपोर्टिव सब्जेक्ट के रूप में स्टैटिस्टिक्स के जैसे ही सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको PGS कोर्सेज भी कवर करने होंगे। लेकिन MSc इज नॉट जस्ट अबाउट दीज कोर्सेज। MSc के अंदर जो मेन आपकी जान है वो है आपका एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको बताया थीसिस के बारे में। तो आप जब थीसिस लिखने वाले हैं, या मैं कहूँ आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको कुछ अप्रूव करवाना होगा, वो एक्सपेरिमेंट अप्रूव करवाना होगा, तो उसके लिए आपको एक साइनॉप्सिस लिखनी होगी।
साइनोप्सिस क्या होता है? साइनोप्सिस का मतलब याद रखें, साइनोप्सिस एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है आपकी थीसिस का। थीसिस क्या थी? बताया था आपको, मैंने आपको समझा दिया था थीसिस का मतलब, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले हैं उसकी ए टू जेड इंफॉर्मेशन थीसिस है। अब उस बड़ी सी थीसिस जिसके अंदर लगभग 250, 300, 350 जितने भी पेजेस की वो थीसिस बनेगी, उसकी शॉर्ट फॉर्म यानी उसके अंदर क्या क्या आप करने का सोच रहे हैं कि मैं इस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा, मैं ये सब चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट में करूंगा, तो ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी? साइनोप्सिस के अंदर आएंगी। तो ये बात याद रखें कि साइनोप्सिस थीसिस से अलग है, और जब आप एमएससी में एडमिशन लेंगे तब आपको वहाँ साइनोप्सिस एक क्रिएट करनी होगी। साइनोप्सिस को लिखने के अपने आप में कुछ रूल्स होते हैं। जब मैंने साइनोप्सिस पर्सनली लिखी थी तो उससे कुछ जो भी बातें मैंने सीखी उन्हें एक रूल्स के रूप में मैंने लिस्ट आउट किया था। कोशिश करूंगा वो रूल्स जो है वो आपके सामने नजर आ जाएंगे। इन रूल्स को आप खुद भी पढ़ें और अपने जो सीनियर्स हैं उनको भी आप पढ़ा सकें, उनसे कंफर्मेशन लें कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से हम साइनोप्सिस जब लिखेंगे तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होगा। साइनोप्सिस एक आसान काम नहीं है लिखना, याद रखें इसे ध्यान से अच्छे से लिखना होगा। तो साइनोप्सिस हमें किसके ऊपर लिखना है? हमारे एक्सपेरिमेंट पे लिखना है। तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट का हमें टाइटल चूज करना होगा कि मैं किस पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, मेरा टॉपिक क्या है, ये कैसे डिसाइड करना है। इसे डिसाइड करने के लिए हमें अपनी एडवाइजर की हेल्प लेनी होगी। एडवाइजर यानी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जैसे ही आप पीएचडी या मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तब आपको एक मेजर गाइड या जिन्हें हम कह सकते हैं मेजर एडवाइजर जो है वो आपको अलॉट किए जाते हैं। ये जो गाइड या आप कह सकते हैं मेजर एडवाइजर हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका टॉपिक डिसाइड करने में कि आपको किस टॉपिक पे अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहिए। मेजर गाइड के साथ ही माइनर गाइड भी, और साथ में इवन दो और भी कमेटी मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर कमेटी बन जाएगी आपके लिए, तो ये कमेटी आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आपके मेजर गाइड, माइनर गाइड और भी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो डिसाइड हो जाएंगे, और जैसे ही धीरे धीरे आप जब अपने गाइड से बात करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो आप अपना एक्सपेरिमेंट का टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का टॉपिक डिसाइड होने के बाद अपनी एक साइनोप्सिस बनाएंगे। साइनोप्सिस क्या है? आप जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म। उस शॉर्ट फॉर्म को अप्रूवल के लिए हायर अथॉरिटीज में या रिसर्च का जो डिपार्टमेंट रहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च जो है, वहाँ भेजा जाता है और वहाँ से वो अप्रूव हो जाती है जब, तो आप देखते हैं आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू होता है। तो ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म जिसे साइनोप्सिस कहा, इस साइनोप्सिस में 5 मेन चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं। क्या हैं वो चीज़ें? सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन, जो आपका रिसर्च टॉपिक है। लेट से फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च टॉपिक अगर हम चूज करें कि इफेक्ट ऑफ सॉइल टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑन द यील्ड ऑफ ग्राउंडनट, लेट से ये एक टॉपिक मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया। तो इस टॉपिक के अंदर ऑफकोर्स आपका जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो आपके ये टॉपिक्स तो डिफरेंट होंगे। मैं अगर सॉइल साइंस की बात करूँ, लेट से ये एक तरह का कोई टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है तो मुझे इंट्रोडक्शन के अंदर ग्राउंडनट से रिलेटेड कुछ बातें लिखनी होंगी। ग्राउंडनट का ओवरऑल इंडिया में प्रोडक्शन क्या है, ग्राउंडनट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डाइट के अंदर, और भी साथ में ग्राउंडनट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं यहाँ इंट्रोडक्शन के रूप में मेंशन कर सकता हूँ। उसके बाद सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि मुझे ग्राउंडनट की न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन देखना है, कि सॉइल टेक्सचर की वजह से अलग अलग टेक्सचर्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट किस तरह से एक्युमुलेट होंगे। तो इस तरह के हमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं। साथ में आपको ये मेंशन करना होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नाम समझिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है? लिटरेचर का रिव्यू करना, रिव्यू वापस देखना, रिव्यू करने का मतलब यह हुआ कि पिछले वक्त के अंदर, किसी पुराने वक्त के अंदर क्या इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च हो चुकी है। सॉइल टेक्सचर की ऑलरेडी जो भी रिसर्च हो चुकी होंगी उनको मैं अपने आप स्टडी करूंगा और जाके उनके कुछ कंक्लूजंस निकालूंगा कि पर्टिकुलर कुछ साइंटिस्ट ने क्या क्या स्टडीज की हैं, वो सारी बातें जो है मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में राइट डाउन करूंगा। तो ये जो रिव्यूज हैं हमें कहां से मिलते हैं, तो हम देखते हैं गूगल स्कॉलर, या आप देखेंगे जो भी अलग अलग पुरानी थीसिस जहाँ पे आपको मिल सकती हैं, तो उनके अंदर आपको स्टडीज देखनी होंगी। थीसिस ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, क्या रिसर्च वर्क हो चुके हैं, तो उन्हें वापस जाके पढ़ना होगा। उनकी कंक्लूजन्स जो हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, वो सारी मुझे इकट्ठी करनी होंगी, और वो सारी चीज़ें जो है मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में लिखनी होती हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कि भाई जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उससे पहले देख लो कि हिस्ट्री में पुराने वक्त में क्या क्या हो चुका है, ये सब चीज़ें लिखते हैं हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स, यानी कैसे कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट, वो सारी चीज़ें जो है शॉर्ट फॉर्म में मटेरियल्स एंड मेथड्स के रूप में लिखी जाती हैं। उसके बाद हम कहते हैं रेफरेंसेस, यानी कंप्लीट साइनोप्सिस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से उठा के लाए उसका एड्रेस देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने कहा कि कोई पुराने साइंटिस्ट ने
इस तरह की स्टडी की थी, तो उनका एग्जैक्ट नाम, उन्होंने किस जनरल के अंदर अपनी पब्लिकेशंस दी थी, तो कंप्लीट उसका एक एड्रेस देना होगा, एक कंप्लीट रेफरेंस क्रिएट करना होगा कि जो आपने अपनी थीसिस में या साइनोप्सिस में आप लिखने वाले हैं वो डाटा रेलेवेंट है, वो एक ऑथराइज्ड डाटा है, तो वो आपको एक रेफरेंसेस के रूप में मेंशन करना होता है। तो ये जो पांच चीजें हैं इन्हें राइट डाउन करने के लिए पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं। अब ये भी याद रखिए कि साइनोप्सिस का एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाता है कि किस तरह से आप जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले हैं वो आपके डिपार्टमेंट के जो भी हम देख सकते हैं मेंबर्स हैं उन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जिसके अंदर ये सब चीजें होने वाली हैं। तो साइनोप्सिस का एक प्रेजेंटेशन भी होता है, फिर साइनोप्सिस का अप्रूवल होता है, ये सब हो जाने के बाद साथ ही साथ आपकी स्टडीज भी चलती हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो साइनोप्सिस अप्रूवल के बाद ये बात जरूर याद रखें कि जो थर्ड सेमेस्टर है या मैं कहूँ जो सेकेंड ईयर होता है हमारी मास्टर्स का, उसके दौरान हमें एक सेमिनार रिप्रेजेंट करना होता है। सेमिनार क्या है? सेमिनार के अंदर आपको 40 से 50 मिनट तक लगातार एक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करनी होती है। इसका भी टॉपिक आप अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करते हुए डिसाइड करेंगे, और ये जो सेमिनार है आप अपनी कंप्लीट जो कम्युनिटी है या हम कहें डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में 45 मिनट्स आपको लगातार बोलना होगा, उसके ऊपर डिस्कशन होंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या क्या था, डाउट्स पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, और एक कंप्लीट सेमिनार क्रिएट होने के बाद इसके भी पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। तो सेमिनार के बाद जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर होता है उस दौरान हम देखते हैं जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी थीसिस लिखना शुरू करते हैं। थीसिस के अंदर आप कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, यानी शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ आपको लिखना है। कैसे राइट डाउन किया जाएगा उसके भी पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर आपको बताऊं तो ये साइनोप्सिस का एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि थीसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, साइनोप्सिस है। अब तो साइनोप्सिस जो है उसको आप एक्सपेंड करते हुए आप यहां लिख रहे हैं। क्या क्या लिख रहे हैं? वहां साइनोप्सिस में कह रहे थे कि ऐसे 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 करूंगा, और थीसिस में आप लिख रहे हैं कि मैं ये कर चुका हूं, एक्सपेरिमेंट के रूप में ये सब कर चुका हूं। फोर्थ ईयर चल रहा है अब फर्स्ट एमएससी का, तो उस दौरान आप सारी चीजें डिटेल्स में लिखेंगे। डिटेल्स में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डिटेल्स में मटेरियल्स एंड मेथड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, डिटेल्स में आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स को लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर थोड़े और ज़्यादा लिखेंगे, और साथ में रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आपका जो भी एक्सपेरिमेंट आपने किया उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी आपको थीसिस के अंदर रिप्रेजेंट करना है। साथ ही साथ एंड में थीसिस के अंदर रेफरेंसेस को लिखा जाता है कि जो भी थीसिस के अंदर इंफॉर्मेशन लेके आए हैं वो कहाँ से लेके आए हैं, तो उसका एग्जैक्ट रेफरेंस भी हमें लिखना होता है। तो ये सब अगर काम आप कर चुके होंगे यानी थीसिस लिख चुके होंगे तो आपको उसका एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा, प्रेजेंटेशन देनी होगी, वो एक रफ रिप्रेजेंटेशन होगी कि हाँ ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट है, मेरे ये रिजल्ट्स रहे हैं। वो प्रेजेंटेशन हो जाएगी तब उसके बाद आपको एक रफ हार्ड कॉपी बनानी होगी अपने थीसिस की। रफ हार्ड कॉपी मतलब ये फाइनलाइज्ड नहीं है, ये अप्रूवल के लिए अलग अलग अथॉरिटीज के पास जाएंगी, और ये अगर आपका रफ वर्क जो है अगर अप्रूव हो जाता है तब आपकी वो फाइनल थीसिस जो है वो रेडी हो जाती है, और फाइनल थीसिस रेडी हो गई तो लगता है एमएससी डन। लेकिन साथ में आपको ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो फोर्थ ईयर होता है उसके अंदर आपको एक प्रीलिम एग्जाम भी देना होता है। प्रीलिम एग्जाम का मतलब ये हो गया कि आपने अब तक जो भी एमएससी में कवर किया है उसका या तो आपको वाइवा के फॉर्म में एग्जाम देना होगा या रिटन फॉर्म में एग्जाम देना होगा, कभी कभी दोनों ही देने होते हैं, वाइवा भी और रिटन एग्जाम दोनों देने होते हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसका आपको एक एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपका थीसिस सबमिशन का वर्क शुरू होता है, और थीसिस अगर सबमिट हो जाता है तो आप देखते हैं आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि एमएससी इन एग्रीकल्चर कैसे बीएससी एग्रीकल्चर से अलग होती है, यहाँ कैसे हमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता है, क्या हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है, कोई साइनोप्सिस भी है, उसके बाद थीसिस लिखनी होगी, सेमिनार भी होगा, और साथ में कई सारी चीज़ें हम देखते हैं एग्जाम्स के फॉर्म में भी होने वाली है। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर इससे रिलेटेड कुछ और डाउट्स हो, आपको लगे कि ये प्रोसेस चल रहा है, यहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि मैं आपकी हेल्प के लिए रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन हो, लगे कि नहीं आप यहाँ पे कुछ चीज़ सही नहीं बताई है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है, इस तरह की कुछ बातें अगर आपके दिमाग में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।